आप चाहे एवरेज हो या टॉपर, कभी खुद को किसी से कम मत समझना, क्योंकि आप जितना सोच सकते हो उससे कहीं बेहतर आप कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को, जो कि बार बार बोर्ड पेपर में या एग्जाम में पूछा जाता है, और सभी क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, इतने अच्छे तरीके से करेंगे आज के बाद आप लोग कभी उसको भूलोगे नहीं। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या दिया, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर एक दिया बेटा, आप लोग लिखते चलना क्या दिया है। दिया है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहला क्वेश्चन दिया हमारा, हम लोग जानते हैं बाबू अवतल दर्पण दिया है, क्या दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, की फोकस दूरी। तो बेटा अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी f होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, तो माइनस f बराबर माइनस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं f बराबर होता है r बाई 2, इतना आप लोगों को पता होगा, अच्छी तरीके से पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो r बराबर जब निकालेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा 2f, तो r इक्वल टू 2 इनटू f का वैल्यू कितना बेटा माइनस 40, तो r इक्वल टू हो जाएगा माइनस 80 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा बाबू मेरे लाल मेरे हीरो इसका आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार, दूसरा बोल रहा है बेटा संलग्न चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार यही बोल रहा है बेटा, प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। यह बोला बेटा वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यह बताना है बाबू वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यही बोला बेटा, चित्र क्या दिया है यहां पे बेटा, कोई पट्टी दे दिया है, इसके नीचे अलग माध्यम है ऊपर अलग माध्यम है। मान लिया बेटा ऊपर दिया है, क्या दिया है, ऊपर दिया है वायु और नीचे क्या दिया है बाबू, दिया है माध्यम। ठीक है, यहां पर बेटा एक लंब खींचा है जिसको क्या कहा है अभिलंब, क्या कहा बाबू मेरे लाल इसको अभिलंब। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे एक किरण खींचा है, किरण को हम डायरेक्ट भी खींच सकते हैं, स्केल रखें स्केल से भी खींच सकते हैं, किरण को खींचा ऐसे बेटा, एक चीज देखना यहाँ से किरण ऐसे आया है। ठीक है बेटा, उसके बाद यह वायु है, कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा बाबू, यहाँ माध्यम है तो क्या होगा सघन होगा, जब विरल से माध्यम में गया सघन में गया है क्या किया अभिलंब की ओर झुक गया है, ऐसे बेटा अभिलंब की ओर झुक गया है। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे बेटा इसका जो आ रहा है इसको दिया है आपतित किरण, आपतित किरण, और यह जो यह भी आ रहा है इसका है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। यहाँ पे बेटा कोण दिया है और यहाँ पे कोण दिया है, कुछ कितना कितना कोण दिया है, यहाँ 60 दिया है, यहाँ पे बेटा कितना दिया है 45 दिया है, यहाँ पे 60 दिया है बेटा और यहाँ पे कितना दिया है 45। यहाँ पे कोण ना देके बेटा, यहाँ पे कोण 60 दिया, यहाँ पे कोण ना देके यहाँ पे कोण दिया बाबू 45। चलो ठीक है, एक चीज बताना बाबू, यह कोण हमारा आई होगा, यह कोण क्या होगा आर होगा। हमसे अपवर्तनांक पूछा है, क्या पूछा है हमसे अपवर्तनांक पूछा है, और अपवर्तनांक क्या होता है बेटा यन होता है, मतलब हमसे क्या पूछा है यन पूछा है, यन बराबर होता है, यन बराबर होता है मेरे लाल साइन आई अपान साइन आर, हमें आई पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। एक चीज बताना बेटा, यह लंब है इस पे यह पूरा कितना होगा 90 अंश होगा, होगा कि नहीं होगा, जब इतना 90 होगा इतना 60 है तो 60 90 में से घटाएंगे तो इतना कितना आएगा बेटा कोणवा, ये इतना आ जाएगा 30 अंश। इसी प्रकार ये इतना 45 है तो ये इतना कितना होगा बेटा, यह भी होगा 45 अंश। आई आर का मान निकल गया, अब आप लोग अपवर्तनांक निकाल लोगे, यन बराबर साइन कितना होगा 30 बटे साइन 45 कर लोगे, तो यन बराबर साइन 30 का मान 1/2 होता है बेटा, और साइन 45 का मान 1/2, यह ऊपर जाएगा, यह बराबर इन अंडर रूट 2/2, इसको लिख सकते हैं इन अंडर रूट 2 या इन अंडर रूट 2 इनटू इन अंडर रूट 2 2 को, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बेटा इसका मान 1/√2, इसका क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा, यह क्या होगा इसका अपवर्तनांक हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिटाते हैं इसको, नोट करो आप लोग जल्दी से, फिर इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे लाल, कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृत तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती, 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती, क्या किया जा रहा है बेटा, एक मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा लंबाई याद कीजिए, मोमबत्ती की स्थिति प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए या ज्ञात करना बेटा, तो चलो आ जाओ इसको ज्ञात करते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, कौन सा लेंस दिया है बेटा, उत्तल लेंस दिया है जिसकी फोकस दूरी कितनी है F है, F बराबर कितना दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखिए, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब U बराबर बेटा माइनस U लगता है ना, प्रतिबिंब की दूरी माइनस वस्तु की दूरी माइनस लेते हैं, तो माइनस 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती की रखी है, तो O बराबर दिया है बेटा कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्थिति प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं बेटा लेंस के सूत्र से, लिखना लेंस के सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u, 1/f का वैल्यू कितना बेटा 10 है, बराबर 1/v - 1/u का वैल्यू कितना -20,
एक बटे दस बराबर एक बटे बी और माइनस माइनस प्लस एक बटे बीस। इसको बेटा इधर कर दो तो एक बटे बी बराबर हो जाएगा एक बटे दस माइनस एक बटे बीस। एक बटे बी बराबर होगा बेटा दस और बीस कैल्सियम लेंगे बीस होगा, यहाँ पे बीस हो जाएगा, दस दूनी बीस, दो माइनस एक, एक बटे बी बराबर एक बटे बीस हो जाएगा। बी बराबर हो जाएगा बेटा कितना 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जो बनेगा बेटा लेंस के पीछे दूसरी ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, क्योंकि बेटा वो धनात्मक आ रहा है तो क्या होगा बेटा वो पीछे बनेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी, 20 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा, हो जाएगा आराम से, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बेटा स्थिति प्रकृत, बेटा पता चल गया प्रकृत, m बराबर होता है v अपान u बराबर i अपान ओ, यही होता है आवर्धन जब निकालोगे। यहां से v का मान कितना है बेटा, v का मान आ गया 20, u का मान भी है माइनस 20, i का मान नहीं पता है, o का मान है 10, इससे कट जाएगा माइनस बचेगा, i बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब उल्टा वस्तु के बराबर और कैसा वास्तविक बनेगा कि तो पीछे बन रहा ना बेटा तो जाके बनेगा, लेंस है और कितना 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। इसका आंसर आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन करेंगे। कर लिए बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्या बोला है बाबू, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, कितना कर लोगे आप लोग। उसके बाद कहा है वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। इसके द्वारा क्या दिया बेटा, इसके द्वारा वस्तु का लेंस से, इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। चलो ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन पे। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है बेटा, लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है बेटा, दिया है वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, हमसे क्या पूछ रहा है, u पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा मेरे लाल, u पूछ रहा है कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। अवतल लेंस है बाबू, प्रतिबिंब जो होगा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, मतलब लेंस के सामने बनेगा, क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है। v बराबर हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर, हमसे पूछा है u 1 अपान f बराबर 1 अपान v माइनस 1 अपान u, कितना कर लोगे मेरे लाल मेरे हीरो, अरे बस रक्त है खौलता रहे। क्वेश्चन क्या है, आ जाओ, 1 अपान f बराबर 1 अपान v, v का मान कितना बेटा माइनस 10, माइनस 1 अपान u, u का वैल्यू नहीं पता हमको, क्या करना बाबू निकालना है। चलो ठीक है, f का वैल्यू तब तो पता है ना, माइनस कितना 15 हो जाएगा, इसको बेटा इधर कर दो इसको इधर कर दो, 1 अपान u बराबर माइनस 1 अपान 10 ये जाएगा बेटा कितना प्लस हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद 1 अपान u इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो करोगे 10 या 30 और 15 दूनी 30, तो 1 अपान u इज इक्वल टू कितना होगा बेटा यहां पे माइनस 1 अपान 30, यही होगा।
तो करोगे u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। वस्तु को क्या होगा बेटा, माइनस 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, आभासी बनेगा, याद रखना अवतल लेंस है, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। हर एक चैप्टर से लगभग एक दो क्वेश्चन है बाबू, और सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे, इसके बेस पे आ जाएंगे कुछ, तब भी आप लोग बैठोगे और गर्दा करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 अंश है। दिया बेटा वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांति कोण, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण कितना बेटा, 45 अंश है, 45 अंश है, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या दिया, उस द्रव का अपरतनांक ज्ञात कीजिए, द्रव का अपरतनांक ज्ञात कीजिए, बोला है बेटा मेरे लाल उस द्रव का अपरतनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं बाबू। क्रांतिक कोण C का मान दिया 45 अंश, क्रांतिक कोण क्या है बेटा 45 अंश दिया, द्रव का अपरतनांक ज्ञात करना है, द्रव का अपरतनांक होता है बेटा अपवर्तनांक 1/sin C का वैल्यू 45 हो जाएगा बेटा, 1/sin 45 का मान 1/2 करड़ी में 2 ऊपर जाएगा करड़ी में 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं इतना आपको आया होगा, वो भी अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाबू कि किसी एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। एक बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश, कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है, ठीक है, हो गया बेटा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। एक प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण क्या होता है बेटा, यह हमारा एक प्रिज्म होता है, ठीक है, यह क्या है, एक प्रिज्म है, यह कोण जो होता है बेटा इसी को प्रिज्म कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म कोण दिया है बेटा, प्रिज्म कोण ए दिया है, कितना दिया है 60 अंश, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम दिया है बेटा 38 अंश। हमसे अपवर्तनांक पूछा, क्या पूछा बेटा एम, इसने एक चीज और दिया साइन 49 अंश का मान बेटा 0.75, साइन यहां पे दिया है बेटा 49 अंश का मान 0.75, ऐसे कोई वैल्यू होगा जैसे 38 हो, 49 का वैल्यू तुरंत दे देगा जिसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। तो बेटा हम जानते हैं अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन
ए बाई टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यन बराबर साइन ए का वैल्यू कितना बेटा 60 अंश, डेल्टा एम 38 बटे 2, साइन ए का वैल्यू कितना 60 बटे 2, तो यन बराबर साइन 60 30 90 98 बटे 2 साइन 30 अंश हो जाएगा। यहां से करोगे बेटा आएगा साइन 49 बटे साइन 30 अंश, ये बेटा यन की वैल्यू ठीक है। तो यन बराबर साइन 49 का वैल्यू यहां पे दिया है 0.75 और यहां पे 1 बटे 2 ऊपर जाएगा बेटा 2 का गुणा होगा, यन बराबर हो जाएगा 1.5, यह हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलो ठीक है आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको नोट कर लो। आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए नंबर एक ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। दूसरा दिया बेटा परिपथ में प्रवाहित धारा, क्या दिया है परिपथ में प्रवाहित धारा ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा ठीक है बेटा। तीसरा दिया है ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए तथा बी के मध्य विभवांतर ठीक है बेटा। चौथा क्या पूछा हमसे, क्या दिया है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ठीक है। चार चीज हमको हमसे पूछा बेटा, चित्र दिया है देखो यहां पे एक प्रतिरोध ऐसे लेके गया है बेटा, यहां पे एक प्रतिरोध लगाया है जिसको यहां से लेके गया है, उसके बाद यहां से एक लेके गया है, यहां पे भी एक प्रतिरोध लगाया है, सही से बनाना आप लोग। उसके बाद इसको बेटा ऐसे लेके गया है, फिर यहां से एक प्रतिरोध लेके गया लगाया है इसमें, उसके बाद यहां से इसमें एक प्रतिरोध लगा दिया ठीक है। यहां पे बेटा बिंदु ए दे दिया है, यहां पे बिंदु बी दे दिया है, इसको लेके आया है, यहां से इसको लेके आया है, यहां पे एक बैटरी जोड़ दिया है, प्लस माइनस यहां पे एक प्रतिरोध लगाया ठीक है बेटा, इसको यहां से जोड़ दिया गया। यहां पे विभवांतर जो है बेटा 10 वोल्ट है विभव जो है, उसके बाद यहां पे सबका मान दिया है, यहां पे 3 ओम प्रतिरोध दिया है, कितना दिया है 3 ओम, यहां पे दिया है 2 ओम नहीं 4 2 2 1 4 ओम, यहां पे 2 ओम, यहां पे 2 ओम, यहां पे 1 ओम, यह दिया है बेटा। चलो ठीक है, पहले कहा ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, तो बाबू पहला जब करेंगे पहला हल लिखना, पहला ए और बी के मध्य प्रतिरोध, तो बाबू ए और बी के बीच जोड़ेंगे प्रतिरोध, देखो ए से यहां पे गया, मान लिया यहां पे बेटा ए बी, यहां पे सी, यहां पे डी, ए से सी पे गया, सी से बी जाएगा, तो दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, तो 4 2 6 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 6 प्लस 3, देखो यहाँ पे कितना होगा बेटा 6 होगा, 4 2 6, यहाँ पे कितना होगा 2 1 3, ये बेटा 1 होगा 6 ओम व 3 ओम हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 6, अब दोनों समांतर क्रम में है, तब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 1 बटे आर डैश मान ले रहे हैं बराबर 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 3, 1 बटे आर डैश बराबर दोनों कैल्सियम 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, 1 बटे आर डैश बराबर 3 बटे 6 काटोगे 2, तो आर डैश बराबर कितना आएगा बेटा आर डैश बराबर आ जाएगा 2।
तीन दूनी छह, ठीक है। इसका ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? दो ओम होगा। परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में धारा कितना बहेगा? ये पूछा हमसे बेटा, परिपथ में प्रवाहित धारा। एक चीज बताना बाबू, परिपथ में धारा कितना बहेगा ये हमको बताना है। तो I बराबर V अपान R होता है। दूसरा लिख लो बेटा, प्रवाहित धारा पूरे परिपथ में पूछ रहा है बेटा, प्रवाहित धारा। तो पूरे परिपथ के लिए बेटा यह तीन ओम छूटा है, अभी तुल्य प्रतिरोध इतने का दो आया है, तीन है, दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, तीन दो पांच हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? पूरे का बेटा इसका दो आया, तीन है, पांच हो जाएगा। आई बराबर वी अपान आर से तो धारा आई बराबर वी कितना बेटा? दस बटे प्रतिरोध, दो इसका था, तीन है, पांच, पांच दूनी दस, कितना हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा बेटा दो एम्पियर, ठीक है, इतना कर लोगे। फिर अगला ए तथा बी के मध्य विभवांतर क्या पूछ रहा है? ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है। तो बेटा V बराबर I बराबर V अपान R, तो V बराबर I इंटू R, तीसरा हो जाएगा बेटा। लिख लेना A व B के बीच विभवांतर, तो कितना होगा बेटा? देखना, प्रवाहित धारा I बराबर V अपान R है, तो V बराबर I इंटू R हो जाएगा। तो V बराबर I कितना है बेटा? दो, R का दोनों, इसमें पूरे का तुल्य प्रतिरोध कितना है? दो, तो V बराबर दो दूनी चार वोल्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। अगला क्या कह रहा है? तीन ओम के प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर, तीन ओम के प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर बेटा चौथा, तीन ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा बेटा? देखोगे V बराबर I इंटू R से V निकालना, I आया बेटा टोटल का दो, देखो यहाँ पे निकाले हो, इसका प्रतिरोध R कितना बेटा? तीन है, V बराबर तीन दूनी छह वोल्ट, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी से आप लोगों को मिला हो, तो आप लोग चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक कराइए, क्योंकि अब फिर अगले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे, और गारंटी है कि सभी वीडियो को आप लोग अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपका विज्ञान का पेपर बहुत ही हलवा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।